मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं एजाज मंसूरी आपके अपने YouTube चैनल इकरा इंग्लिश क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की अंग्रेजी विषय का लेसन 2। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, लेसन 2 का नाम है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। कान्हा किसली का रोमांच, थ्रिल्स यानी होता है रोमांच। नीचे दिया है बॉक्स में, हैव यू एवर बीन टू अ नेशनल पार्क, क्या आप कभी राष्ट्रीय उद्यान गए हैं। विच एनिमल डिड यू सी देयर, और वहाँ पर आपने कौन कौन से जानवर देखे हैं। तो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, एक अच्छी कहानी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन। दिया है, दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजिन्स, यह संवाद दो ममेरे भाइयों के बीच में है। कजिन्स यानी चचेरे या ममेरे भाई। डायलॉग यानी संवाद, बिटवीन यानी बीच में। देव एंड सुविज्ञ, क्या नाम है उनके, देव और सुविज्ञ। ममेरे भाई मतलब जैसे कि आप हो और आपके मामा का लड़का, इस तरह से ममेरे भाई। देव हैज़ रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली एंड इज़ वेरी एक्साइटेड, देव हाल ही में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान घूम के आया है और वह बहुत ही उत्साहित है। वेरी एक्साइटेड यानी बहुत उत्साहित, विजिट यानी घूम के आया है। ही वॉन्ट्स टू शेयर हिज एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंसेस विथ हिज कज़िन, वह अपना अनुभव और उत्साह अपने मामा के लड़के को बताना चाहता है। एक्साइटमेंट यानी उत्साह, एक्सपीरियंसेस यानी अनुभव, शेयर यानी बांटना चाहता है, बताना चाहता है, वॉन्ट्स यानी चाहना। ये देखो बच्चों, आपको ये दिखाई दे रहा है टाइगर, यहाँ पर झाड़ियों के बीच में। अब दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। देव बोलता है, सुविगी हैव यू एवर सीन कान्हा किसली, सुविगी क्या तुमने कान्हा किसली देखा है। सुविगी क्या बोलता है, व्हाट्स दैट, वह क्या है। देव बोलता है, ओ डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट, क्या तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, यह बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन है लेसन में कि व्हाट इज़ कान्हा किसली, कान्हा किसली क्या है। तो कान्हा किसली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, कान्हा किसली बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। आप टेंशन मत लो बच्चों, मैं इसके अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से करवाऊंगा, लिखवाऊंगा आपको, कठिन शब्द भी लिखवाऊंगा और सारी चीज़ें अच्छे से समझा दूंगा। फिर सुविज्ञ बोलता है, वेयर इज इट सिचुएटेड, यह कहाँ पर स्थित है। सिचुएटेड यानी स्थित होना। देव बोलता है, इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन MP, यह मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास मंडला ज़िले में स्थित है ना। मंडला डिस्ट्रिक्ट यानी मंडला ज़िले में, नियर जबलपुर, नियर यानी पास, जबलपुर यानी जबलपुर ज़िले के पास, इन MP यानी मध्य प्रदेश में। तो आपका दूसरा प्रश्न है, वेयर इट इज़ सिचुएटेड, यह कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा, इट इज़ सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन MP, या इतना भी लिख देंगे इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट तो भी चल जाएगा। ये तो मैं क्वेश्चन आंसर आपको आगे करा दूंगा, अगले वीडियो में हम देखेंगे। इट इज़ 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट, यह बालाघाट जिले से 83 किलोमीटर दूर है। तो बच्चों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यह जबलपुर ज़िले के पास मंडला ज़िले में स्थित है और यह बालाघाट जिले से 83 किलोमीटर दूर है, मंडला ज़िला है ना। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मंडला ज़िले में। अब स्विग्गी का पूछता है, हाउ कैन वी रीच देयर, हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, रीच यानी पहुँचना। देव बोलता है, वी कैन रीच देयर बाय बस, हम वहाँ बस से जा सकते हैं। वी कैन आल्सो गेट देयर बाय रेल एंड इवन बाय एयर, हम वहाँ पर ट्रेन से भी जा सकते हैं और हवा से भी जा सकते हैं। हवा से मतलब हवा में उड़ के तो नहीं जाएंगे, प्लेन से जा सकते हैं है ना। रेल यानी ट्रेन और एयर यानी हम प्लेन या एरोप्लेन से हम वहाँ पर जा सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज जबलपुर,
और कान्हा किसली के सबसे पास का रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट कौन सा है? जबलपुर। स्विगी क्या बोलता है? देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा, मुझे कान्हा के बारे में और बताओ। कान्हा मतलब कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, अबाउट यानी के बारे में, मोर यानी और बताओ, मोर यानी और अधिक और ज़्यादा। देव बोलता है कान्हा नेशनल पार्क कम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1955। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1955 में अस्तित्व में आया, एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व में। यह आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इन टू एग्जिस्टेंस, कान्हा नेशनल पार्क कब अस्तित्व में आया? तो आपको लिखना है कान्हा नेशनल पार्क केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1955। सिर्फ 1955 लिखना है, बाकी ये आपका पूरा प्रश्न में दिया रहेगा। मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा अगले वीडियो में, आप टेंशन ना लें बच्चों। कान्हा नेशनल पार्क कब बना था बच्चों? 1955 में। सिंस देन इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फ्यूना। तब से ये अपने जीव जंतु और वनस्पतियों के लिए संरक्षित है। फ्लोरा यानी वनस्पति, फौना यानी जीव जंतु, प्रोटेक्टेड यानी संरक्षित है। इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पेसीज इन अबॉन्डेंस, यह जंगली प्रजातियों को बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में संरक्षित करता है। वाइल्ड लाइफ स्पेसीज यानी जंगली प्रजाति, प्रिजर्व यानी संरक्षित करता है, अबॉन्डेंस यानी बहुत अधिक मात्रा में, मतलब यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर और उनकी प्रजातियाँ पाई जाती है। इट इज़ नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड नेशनल पार्क इन एशिया, यह एशिया में अपने सबसे अच्छे प्रबंधन के लिए जाना जाता है। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट इन थाउजेंड्स ड्यूरिंग द पीक सीजन। इट अट्रैक्ट्स, यह आकर्षित करता है वाइल्ड लाइफ लवर्स यानी जंगली जानवर के प्रेमियों को, एंड टूरिस्ट और पर्यटकों को, इन थाउजेंड्स यानी बहुत अधिक हजारों की संख्या में, ड्यूरिंग द पीक सीजन यानी पीक सीजन मतलब जिस सीजन में बहुत अधिक संख्या में लोग जाते हैं उसको बोलते हैं पीक सीजन। इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचुरल लवर्स, यह प्रकृति प्रेमियों के आकर्षण और प्रेरणा का एक स्रोत है। सोर्स यानी स्रोत है, इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा का, अट्रैक्शन यानी आकर्षण का, नेचुरल लवर्स यानी प्रकृति प्रेमियों के। स्विगी क्या बोलता है? विथ सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर स्विगी बोलता है, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला? देव बोलता है माई अंकल इज मैनेजर इन MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, मेरे चाचा जो हैं मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग में मैनेजर हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट यानी पर्यटन विभाग, MP स्टेट यानी मध्य प्रदेश का। एट प्रेजेंट ही इज पोस्टेड कान्हा किसली, और वर्तमान में वो कान्हा किसली में ही पोस्टेड है, मतलब उनकी नौकरी अभी हाल ही में कहाँ पे है, वर्तमान में कान्हा किसली नेशनल पार्क में ही उनकी नौकरी है। ही इन्वाइटेड अस टू सी इट, और उन्होंने हमें इसे देखने के लिए आमंत्रित किया था, इनवाइटेड यानी आमंत्रित किया था, टू सी इट यानी इसे देखने के लिए, इसे मतलब कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को। सो रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा किसली विथ माई पेरेंट्स, इसलिए मैं हाल ही में अपने माता पिता के साथ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान घूम के आया हूँ। रिसेंटली यानी हाल ही में, विजिटेड यानी घूम के आया हूँ, विथ माई पेरेंट्स ने मेरे माता पिता के साथ। फिर सुविज्ञ पूछता है व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ क्या देखा? देव बोलता है आई वेंट टू बगेरा लोग हट्स, मैं वहाँ पर बगेरा लोग हट्स गया। किसली वेयर माई अंकल लिव्स, किसली में जहाँ की मेरे चाचा रहते हैं। अब बगीरा लोग हट्स बच्चों क्या होता है, एक लकड़ियों से बना एक घर होता है, मतलब जो भी वहाँ पर देख रेख करने वाले लोग रहते हैं या मैनेजर रहते हैं उनके लिए एक घर बना रहता है, उसको बोलते हैं बगीरा लोग हट्स, है ना। पांचवा प्रश्न है आपका, व्हाट टाइप्स ऑफ हट्स आर देयर एट कान्हा किसली में किस तरह की झोपड़ियाँ होती है, तो वहाँ पर बगीरा लोग हट्स होती है।
किसली हैज अ डेंस फॉरेस्ट विथ वाइल्ड फ्यूरिशियस एनिमल्स, किसली एक घना जंगल है जिसमें कि उग्र या खतरनाक जानवर रहते हैं। डेंस यानी घना, फॉरेस्ट यानी जंगल, फ्यूरिशियस यानी खतरनाक या उग्र, एनिमल्स यानी जानवर। टूरिस्ट गो देयर एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, पर्यटक वहाँ पर जाते हैं और इन्जॉय करते हैं क्या, नेचुरल सीनरी यानी प्राकृतिक दृश्य, जंगल लाइफ यानी जंगल जंगली जीवन, वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों को एंड बर्ड्स और पक्षियों को, इन सब का आनंद वहाँ पर जाके पर्यटक उठाते हैं। स्विगी क्या बोलता है, विच एनिमल्स डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ पर कौन कौन से जानवर देखे। अब देव बोलता है, ओह द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सबसे आकर्षक प्राणी टाइगर यानी चीता है। मोस्ट अट्रैक्टिव यानी बहुत ही ज़्यादा आकर्षक, क्रीचर यानी प्राणी। लकीली आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ द टाइगर्स, सौभाग्य से मैंने टाइगर की एक झलक देखी। लकीली यानी सौभाग्य से, ग्लिम्स यानी झलक। पीपल गो ऑन एलिफेंट्स फॉर लोकेटिंग टाइगर्स, लोग जो है हाथी पर सवारी कर टाइगर को ढूंढते हैं या देखते हैं। इट इज़ रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर सिटिंग और लाइंग इनसाइड द डेंस बसेस एंड हेजेस, टाइगर को झाड़ियों में बैठे या लेटे देखना सचमुच में बहुत ही रोमांचक होता है। रियली थ्रिलिंग, बहुत ही सचमुच में बहुत ही रोमांचक। सिटिंग यानी बैठे हुए, लाइंग यानी लेटे हुए, इनसाइड द डेंस बसेस गहरी झाड़ियों में, एंड हेजेस यानी मेड़ में, मेड़ बनी रहती ना उसमें या झाड़ियों में बैठे देखना इनको बहुत ही रोमांचक होता है। आई सॉ अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिवुलेट, मैंने एक टाइगर देखा जो कि पास ही की छोटी नदी में पानी पी रहा था। रिवुलेट यानी छोटी नदी, नियर बाय यानी पास ही की। वी हैपन टू सी अ टाइग्रेस अलॉन्ग विथ हर टू कब्स, हमें वहाँ एक शेरनी उसके दो बच्चों के साथ देखने को मिली। टाइग्रेस यानी शेरनी, टू कब्स, कब्स यानी शेर का बच्चा। हर आईज वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल्स, उसकी आँखें ग्लास बॉल्स की तरह चमक रही थी, कंचे की तरह। फ्लैशिंग यानी चमकना, ग्लास बॉल्स यानी कंचा। कंचे आप खेलते होंगे बच्चों तो आपको पता है कितना चमकता है कंचा, तो उस तरह से उस शेरनी की आंखें भी चमक रही थी। सुविकी क्या बोलता है, डोंट द टाइगर अटैक द टूरिस्ट, क्या जो ये टाइगर हैं ये पर्यटक पर हमला नहीं करते। तो देव बोलता है, नॉट जनरली, सामान्य तौर पर नहीं करते हैं। पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, क्योंकि लोग जो है जंगल में शांति से एंटर होते हैं, प्रवेश करते हैं, है ना, हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं वहाँ पर, बिल्कुल शांत तरीके से जाते हैं। पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट इनसाइड द जंगल, लोग यहाँ तक कि बच्चों को भी यह निर्देश दिए जाते हैं कि जंगल के अंदर आप शांति बनाए रखें। कीप क्वाइट यानी शांत रहें, इनसाइड द जंगल यानी जंगल के अंदर, है ना, उनसे बोल दिया जाता है कि आप शोर शराबा नहीं करें, बिल्कुल शांति से आप जंगल में प्रवेश करें और सारे जानवरों को अच्छे से देखें। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, और हमें उनसे कुछ दूरी बनाकर रखना पड़ती है। हैव टू यानी पड़ती है, मेंटेन यानी बनाकर रखना, सम डिस्टेंस टू यानी कुछ दूरी, है ना, जैसे आप शेर को देख रहे हैं तो आप हाथी के ऊपर बैठकर उसको देखेंगे, अगर पास में वो रहेगा तो वो तो हमला कर सकता है आपके ऊपर, इसलिए दूरी बनाकर उसको देखना पड़ता है, हाथी के ऊपर बैठकर या दूरी दूर से देखना पड़ता है। जीप जिप्सी के ऊपर आपने देखा होगा ना, अगर आप डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल अगर आप देखते हो तो वो जो रहते हैं शेर ढूंढते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं कि शेर किस तरह से रहते हैं, किस तरह से शिकार करते हैं, है ना, तो वो किस तरह से या तो हाथी पे बैठ के वो देखते हैं या उनकी एक जिप्सी रहती है उस पर से वो वीडियो बनाते हैं, दूर से पास जाएंगे तो उनके ऊपर ही हमला कर देगा शेर। स्विगी क्या बोलता है, आरंट देयर सम अदर एनिमल्स, स्विगी बोलता है क्या वहाँ पर कोई दूसरे जानवर नहीं थे,
जो आरंट है ये आर और नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। आगे देखते हैं, देव बोलता है यस देयर आर, हाँ वहाँ पर थे। वी सा ब्लैक बर्ड्स, चीतल्स, सांभर्स, डियर, स्पॉटेड डियर्स, गॉर्स, इंडियन बाइसन, हॉर्न्ड एंटीलोप्स एंड स्टैग्स। वी सा, हमने वहाँ देखा ब्लैक बर्ड्स यानि काले हिरण, चीतल्स, सांभर्स, डियर यानि हिरण, स्पॉटेड डियर्स यानि धब्बे वाले हिरण, इंडियन बाइसन यानि भारतीय भैंसा, हॉर्न्ड एंटीलोप्स यानि सींग वाले हिरण, हॉर्न यानि सीन, हॉर्न यानि सींग होता है, स्टेक्स यानी भी हिरण की एक प्रजाति होती है। ये देखो ये धब्बे वाले हिरण, ये सींग वाले हिरण, और भी बहुत सारे जानवर देव ने वहाँ पर देखे। इट इज़ द हैबिटेट ऑफ 20 स्पेसीज ऑफ मैमल्स, यहाँ पर 20 से अधिक स्तनधारी प्रजातियाँ पाई जाती है। स्पेसीज यानी प्रजातियाँ, मैमल्स यानी स्तनधारी। देयर आर पाम स्क्वेरल्स, एप्स, लंगूर्स, मंकीज, जेकल्स, वाइल्ड पिग्स, वाइल्ड डॉग्स, चौसिंगास, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप्स, हाइनास एंड जंगल कैट्स इन प्लेंटी। और वहाँ पर क्या था, पाम स्क्वेरल्स यानी गिलहरी, एप्स लंगूर्स मतलब बंदर की एक प्रजाति होती है, लंगूर आपने देखे होंगे, मंकीज यानी बंदर, जेकल्स यानी सियार, वाइल्ड पिग्स यानी जंगली सुअर, वाइल्ड डॉग्स यानी जंगली कुत्ते, चौसिंगास, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप्स, चौसिंगा यानी चार सींग वाले हिरण, हाइनास यानी लकड़बग्घा, एंड जंगली कैट्स, जंगल कैट्स यानी जंगली बिल्लियाँ, इन प्लेंटी यानी बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में वहाँ पर ये सब जानवर पाए जाते हैं। सुविग बोलता है ओ इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी, वह आश्चर्यचकित होकर बोलता है अरे हाँ यार ये तो सचमुच में एक देखने लायक जगह है ना। देव ने उसको इसके खाना किसली के बारे में इतनी सारी चीज़ें बता दी, तो वो सोच रहा है ये तो सचमुच में यार देखने वाली जगह है, देखने लायक है। देव बोलता है इट इज़ रियली वर्थ सीइंग, हाँ यह सचमुच में देखने लायक जगह है, है ना, रियली यानी सचमुच में, वर्थ सीइंग यानी देखने लायक। इवन द बर्ड लवर इन्जॉय द साइट्स, यहाँ तक कि जो पक्षी प्रेमी हैं वो भी इस जगह को इन्जॉय करते हैं, इस जगह का आनंद लेते हैं। देर आर 200 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा, कान्हा में पक्षियों की 200 प्रजातियाँ पाई जाती है। वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स, जो पानी में रहने वाले जो पक्षी हैं वह तालाब के किनारे दिखाई देते हैं। वाटर बर्ड्स यानी पानी में रहने वाले पक्षी, विजिबल यानी दिखाई देते हैं, नियर पूल्स यानी तालाब के पास, पूल्स यानी तालाब या वहाँ पर जो पानी भरा रहता है उसके पास दिखाई देते हैं। अर्ली मॉर्निंग एंड द लेट आफ्टरनून आर द बेस्ट टाइम फॉर वॉचिंग बर्ड्स, पक्षियों को देखने का सबसे अच्छा समय या तो जल्दी सुबह के समय या फिर दोपहर के बाद यानी शाम के समय। अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सुबह जल्दी, या लेट आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद यानी शाम के समय बेस्ट टाइम यानी अच्छा समय होता है वॉचिंग बर्ड्स यानी पक्षियों को देखने के लिए। इवन कॉमन फॉल्स, डब्स, हॉक्स, ईगल्स, पिजन्स, फ्लाईकैचर्स, वुड पिकर्स आर अबंडेंटली फाउंड, फॉल्स यानी होती है पालतू चिड़िया, डब्स यानी कबूतर, हॉक्स यानी बाज, ईगल यानी गरुड़ या बाज, ये भी बाज ही होता है लेकिन यह बहुत तेज नज़र वाला बाज होता है, इसकी नज़र बहुत तेज रहती है ईगल की, पिजन यानी कबूतर, फ्लाईकैचर यानी ये चिड़िया की एक प्रजाति है, वुड पिकर यानी कटफोड़वा, वुड पिकर आपने देखा होगा लकड़ी में छेद करने वाला एक पक्षी रहता है, वो अपनी चोंच से लकड़ी में छेद करता रहता है, आर अबॉन्डेंटली फाउंड यानी बहुत अधिक संख्या में ये पक्षी वहाँ पर दिखाई देते हैं या पाए जाते हैं। सुविगी बोलता है थैंक यू देव, यू हैव टोल्ड मी ऑफ अ प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस, देव तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे एक बहुत ही सुखद और रोमांचक जगह के बारे में बताया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीजेंट यानी सुखद या बहुत ही खुशी वाली जगह, थ्रिलिंग यानी रोमांचक, प्लेस यानी जगह। आई शेल मेक अ प्लान टू विजिट कान्हा विथ माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर वेकेशन,
मैं अगली गर्मियों की छुट्टी में मेरे माता पिता के साथ कान्हाकुसली घूमने का प्लान बनाऊंगा। देव बोलता है, बट ट्राई टू रीच कान्हा बिफोर द सनसेट सिंस व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट। लेकिन तुम जब भी कान्हाकुसली घूमने जाओ तो सूर्यास्त के पहले पहले जाना, क्योंकि सूर्यास्त के बाद वहाँ पर जो है गाड़ियों को जाने की अनुमति नहीं होती है। बिफोर द सनसेट यानी सूर्यास्त से पहले पहले, व्हीकल्स यानी वाहन आर नॉट अलाउड या नॉट परमिटेड, वहाँ पर उनको जाने की अनुमति नहीं होती है। सूर्यास्त के बाद जब सूर्य डूब जाता है, शाम हो जाती है, तो वहाँ पर वाहन को जाने की अनुमति नहीं दी जाती है कान्हाकुसली पार्क में। द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड फॉर डिनर एंड द डिस्कशन एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट। बच्चों को जो है रात के खाने के लिए बुला लिया गया और यहाँ पर इस तरह से उनकी एक अच्छी बातचीत यहाँ पर ख़त्म हुई। डिनर यानी रात का भोजन, डिस्कशन यानी बातचीत। बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। तो अगले वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। जय हिंद।